आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, अपने आप को और पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पढ़े गए वचन के द्वारा हमें आशीष दे, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर, और हम में से हर एक आज की इस शाम में इस सभा से आशीषों को प्राप्त करके जाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। मैं इस बात को इससे पहले कि वचन में जाऊँ कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला ऐसा अवसर है कि मैं इफिसियों की पत्री उसके छठवें अध्याय से प्रचार कर रहा हूँ। मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सभी मैंने अध्यायों से प्रचार किया है, लेकिन ये पहला एक दफ़ा है जब मैं इसके छठवें अध्याय से प्रचार कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये पहला मौका भी है कि जब मैं परमेश्वर के हथियार के बारे में प्रचार करूँ। मैंने इसको बहुत पढ़ा, मनन किया, बट देन कभी मन में ऐसी प्रेरणा नहीं आई कि मैं इसको लेकर प्रचार करूँ। और जब पास्टर विल्सन ने मुझसे कहा कि आज की शाम में रेवरेंड जयंत के यहाँ मीटिंग होगी और मुझे प्रचार करना है, तो तुरंत आत्मा ने अंदर से प्रेरणा दी कि आत्मा के हथियार के बारे में प्रचार करो। और भी बहुत से विषय मेरे पास थे, मैं तैयारियाँ कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरी आत्मा अंदर से ऐसा मुझे प्रेरित करने लगी कि आत्मा के हथियार के ऊपर प्रचार करो, आत्मा के हथियार के ऊपर प्रचार करो। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम इस परिच्छेद को पढ़ते हैं और जब हम संसार की ओर देखते हैं, ऐसा बताया जाता है धर्म विज्ञानियों के मुताबिक जो बाइबल और मसीहत पर विश्वास करते हैं, कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि आज से कितने हजार साल पहले की, बताइए। बहुत ही अच्छा। तो बहुत से धर्म विज्ञानी इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि 6000 कुछ वर्षों पहले की, 6 से 10 हजार। लेकिन दूसरे धर्म विज्ञानी है जो विवाद करते, ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर जो इस जगत को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसकी जो उम्र है वो बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मान लेते 6000 वर्ष हैं, उसमें जो दर्शन शास्त्री हैं और जो इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि कम से कम 14500 युद्ध लड़े गए। कितने? 14500। और इन 14500 युद्धों में आप देख पाएंगे जो मानव जाति, जो हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसका उत्थान हुआ। हर एक युद्ध एक जाति को मारकर दूसरी जाति को सत्ता में लाने के लिए लड़ा गया। और बताया जाता है इन 6000 वर्षों में केवल 300 से 400 ऐसे वर्ष थे जो क्या थे, शांति के युग थे। शांति का युग मतलब जब कुछ भी लड़ाई या युद्ध नहीं होता। और बाकी पूरे 5500 जो वर्ष थे वो क्या में बीते हैं, युद्ध में। आप अपने खुद के जन्म से गिन ले, जब से आपका जन्म हुआ है तब से अब तक आप देख ले। वास्तविक में हम आधुनिक युग में जी रहे, उतना युद्ध तो हम नहीं देखते, लेकिन यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यू वुड नो कितनी लड़ाइयां हुई, कहां कहां पर हुई और कितने लोग उसमें मारे गए। किसी ने इस प्रकार से कहा, 20वीं शताब्दी में जितने लोग मरे हैं उनकी गणना पिछले 19 शताब्दी में भी जोड़ करके देखा जाए तो क्या है, ज्यादा है। मतलब पहली शताब्दी से लेकर 19 शताब्दी तक जितने लोग मरे उनकी गिनती केवल वो लोग जो 20वीं शताब्दी में मरे हैं उनसे क्या है, कम है। क्योंकि 20वीं शताब्दी में क्या हम देखते हैं, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय। इन दो विश्व युद्धों में इतने लोग मरे जिनकी गणना पिछले 19 शताब्दियों से मरे हुए लोगों की गणना से ज्यादा है। तो जब संसार में इस प्रकार के युद्ध के माहौल को हम देखते हैं और फिर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हम क्या पाते हैं, प्रकाशित वाक्य से युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां पर हुई, सबसे पहला युद्ध कहां हम देखते हैं, बाइबल में। क्योंकि हमें हर एक बात क्या, बाइबल से जोड़ करके देखना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या है, युद्ध की चर्चा की गई। कई एक युद्ध अगर आप बैठ करके गिनना चाहें आप थक जाएंगे, इतना युद्ध बाइबल के अंदर हुआ है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, केन से। जब केन ने अपने भाई को मारा, वहां से हम देखते हैं पहला लड़ाई सत्ता के लिए, सत्ता मतलब अधिकार के लिए, प्राथमिकता के लिए, पदवी के लिए, और दूसरे से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। और वो जो युद्ध वहां शुरू हुआ वो प्रकाशित वाक्य तक, जो हम बोलते हैं द वार ऑफ अर्मागेडन, अर्मागेडन का जो युद्ध है वहां तक वो वार चलता आ रहा है। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब दुनिया में नाना प्रकार के युद्धों को और लड़ाइयों को हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम भी क्या है, एक मल युद्ध में पाए जाते हैं। और वो जो मल युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है। तो फिर क्या कहे, और ये युद्ध किसके बीच में, प्रश्न ये उठता है। सबसे पहली बात हमें समझना है, जिस युद्ध में हम लड़ने वाले हैं वो युद्ध हमारा और शैतान का नहीं है, वो युद्ध परमेश्वर और शैतान का है। प्रभु यीशु मसीह और किसका,
शैतान का, जिसका अंतिम युद्ध कब होने वाला है, प्रकाशित वाक्य में जिसकी चर्चा की गई है। लेकिन यह क्या है, हम परमेश्वर की तरफ से लड़ने वाले क्या है, सैनिक है। और युद्ध किस चीज के लिए, क्या बताएंगे, युद्ध किस चीज के लिए, किस बात की। हम बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहेंगे इस सेशन में, ताकि आप में से किसी का ध्यान क्या हो, भटके ना। किसके लिए ये युद्ध, प्रभु यीशु मसीह और शैतान किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए किसके लिए, क्या वो प्राप्त करना चाहते। मैंने आपको बताया इतिहास में हर एक युद्ध किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किया गया। तो शैतान और परमेश्वर किसको प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, हाँ, राज्य, किसका राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या शैतान ले सकता है, मेरे को भी लगता कि स्वर्ग शैतान ले सकता है। और परमेश्वर नर्क को लेके क्या करेगा, शैतान का राज्य कौन सा है, नर्क है, परमेश्वर उसको लेके क्या करेगा, तो वो एक दूसरे के राज्य के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बताइए सोचिए। एग्जैक्टली व्हाई आर दे फाइटिंग, आपके और मेरे लिए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे मन में विराज करे, शैतान चाहता है मेरे मन में विराज करे। और शैतान और परमेश्वर के बीच का जो युद्ध है वो आपके और मेरे हृदय में नियंत्रण करने के लिए है, टू कंट्रोल योर एंड माई हार्ट एंड माइंड। और शुरुआत से आप इस बात को देखिए, मनुष्य को पाप में शैतान ने कैसे गिराया, कैसे गिराया, उसके मन में विचार डालकर, उसके मन में नियंत्रण करके। और आज भी वही युद्ध आप देख सकते हैं, आप में से हर एक जो मसीह यीशु में विश्वास किए, हो सकता है 4 साल पहले, 10 साल पहले, बचपन से, तब से लेकर अब तक, शैतान आपके मन में क्या करना चाहता है, राज्य करना चाहता है। वो परमेश्वर के उस ताकत को, परमेश्वर की उस आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह के शासन को आपके अंदर विराजित होने नहीं देना चाहता। तो आज की शाम में मेरे प्रियो, हम आत्मा के हथियार, कितने आत्मा के हथियार हैं, कितने हैं, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी कितने आत्मा के हथियार हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, अभी आपने पढ़ा, उद्धार का टोप ना। उद्धार के टोप के पहले यदि आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा फिर से उस आयत को पढ़ दें, मैं चाहूंगा कि उसके आप 12वीं आयत को पढ़ दें। या लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं चाहूंगा हम एक और आयत को पढ़ेंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में है। आइए खोले मेरे साथ मत्ती की इंजिल, उसका 24, उसका 6 और 7। कई बार हम ये सोचते हैं, इतना युद्ध हो रहा है, इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयां हो रही है, सर ने बताया 14,500 युद्ध हो चुके हैं इतिहास में, परमेश्वर इन सब के बीच में कहां है। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं जब अंत का दिन आएगा तो क्या बढ़ने वाला है। पढ़िए सिस्टर, हाँ, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, हाँ, क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। तो मेरे प्रियो, इस बात से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर को इस सारे जो युद्ध, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 14,500 जो युद्ध हुए हैं आज तक इतिहास में, इन सब के बारे में परमेश्वर को पता है। और जब ये युद्ध की सीमा 20वीं शताब्दी में और अधिक बढ़ गई, तो ये किस बात की ओर इंगित करते हैं, अंत का समय निकट है। अब जब अंत के समय की निकटता को हम समझ चुके हैं, हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में और शैतान के बीच के युद्ध को हम समझ चुके हैं कि वो हमारे मन में प्रभुता करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। आइए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में क्या दिया है लड़ने के लिए, क्योंकि यदि हथियार नहीं तो एक योद्धा योद्धा नहीं। मैं चाहूंगा उसकी आप 13 आयत को पढ़ दें, 13 आयत से शुरू करेंगे हम, एक के बाद एक हम इन 6 हथियारों को देखेंगे। सारे हथियार, हमें से बहुत से लोग ये सारे शब्द को कई बार नहीं पढ़ पाते, हम आगे उस बात को और गहराई से देखेंगे कि सारे हथियार में क्या क्या हथियार आते हैं। परमेश्वर ने जितना अनुमति दिया उतने हथियारों को आज की शाम में हम देख पाएंगे। चाहूंगा आगे पढ़ें, कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको। हाँ जी, सब कुछ पूरा बुरे दिन। डॉक्टर नाग ने एक बहुत ही अच्छा संदेश बीते
प्रार्थना सभा में दिया बुरे दिन के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे ये दिन बुरे हैं, भले हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो पर भी दिन क्या है, भले नहीं है, दिन अब भी क्या है, नए वर्ष में भी बुरे हैं। और उन्हें चार बातें बताई कि दिन क्यों बुरे हैं। तो अब उसी संदेश को स्मरण करते हुए हमें अब क्या करना है, अपने आप को हमें कैसे तैयार करना है, परमेश्वर के दास पौलुस हमें इस बात को बताते हैं। पढ़िए पहले हथियार के बारे में। सबसे पहली बात, सत्य से अपनी कमर। अब यदि आप हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसमें एक मुख्य जो चीज है वहां पर नहीं लिखी गई है। मैं चाहूंगा अंग्रेजी बाइबल किसी के पास है तो पढ़ने में सहायता करें। या वर्स 14th, या बेल्ट ऑफ ट्रूथ। अगर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो सत्य का कमरबंद। ये जो कमरबंद है वहां पर नहीं आया है, वहां पर केवल सिंपली लिखा गया है कि सत्य से कमर कस लो। बट सत्य का क्या है, एक कमरबंद होता है। अब हमें इस बात को समझना, जब प्रेरित पौलुस बंदीगृह से इन पत्रियों को लिखता है वो सदैव किनकी निगरानी में था, सैनिकों की निगरानी में था। उसकी आंखों के सामने हमेशा क्या उसे दिखते थे, आम जनता उसे नहीं दिखती थी, आपके और हमारे समान। हमेशा उसे कौन दिखता था, सैनिक। जहां सर इधर घुमाया तो एक सैनिक खड़ा है, जहां सर उधर घुमाया तो सैनिक उधर खड़ा है, और कहीं सामने और पीछे देखने पता चला और भी सैनिक उसके सामने खड़े हैं। तो जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे वचन दिया कि तू इफिसियों की कलीसिया को इस वचन को लिख, वो एक उदाहरण लेकर के आता है अपने वातावरण से, अपने एनवायरमेंट से, वो जहां पर था। और वो किनसे उदाहरण को लेता है, सैनिकों से। और यदि आप सैनिकों को आपने देखा होगा, ये जो बेल्ट है, मैं इसका फोटो लेकर के आया हूं क्योंकि हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि रोमी सैनिक किस प्रकार के कमरबंद को पहने, क्योंकि हमारे समय के जो आधुनिक बेल्ट हैं, खैर मैं तो पहना नहीं है, जो पहनते हैं आजकल, बेल्ट पहनना क्या हो गया है, फैशन हो गया है। लेकिन उस समय क्या था, ये बेल्ट फैशन नहीं था, वो एक अति आवश्यक यंत्र था, एक प्रकार का, एक कहना चाहिए ऐसा टूल था जो एक सैनिक को अपने आप के लिए सशक्त बनाता था, खड़े रहने के लिए, युद्ध करने के लिए उसे क्या करता था, सशक्त करता था। और उसके चित्र को मैं लेकर, ताकि आप समझ पाए कि आखिरकार ये होता कैसा था, आप देख पाएंगे, दिस वॉज द बेल्ट। तो आप तुलना कर सकते हैं कि आज के हमारे बेल्ट में और इस बेल्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये बेल्ट क्या होता था, इसमें तलवार होता था, इसमें उनके डैगर होते थे, खंजर होता था, और अलग अलग प्रकार के उनके बेत, जो अपन बोलते हैं, जिससे वो क्या बोलते हैं, कोड़े मारते हैं, वो उसमें लटकाते थे। और सबसे बड़ी बात, ये उनके पूरे जो क्या बोलना चाहिए आप, वर्दी है, आज के समय वर्दी हम बोलते हैं, जो उनका यूनिफॉर्म है, उसको क्या करता था, बांध करके रखता था। ये तो हुई पोशाक की बात। दूसरी बात, यदि आप रेसलिंग वगैरह कुश्ती देखते होंगे, जब वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, कमर में एक पट्टा बांधते हैं। आपको पता है क्यों बांधा जाता है, सबसे ज्यादा जब आप किसी बलशाली काम को करते हैं, आपको ऊर्जा या ताकत लगाना पड़े, या बोझ उठाना पड़े, या किसी पर आक्रमण करना पड़े, सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपके कमर में, आपके बैकबोन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में। और ये जो पट्टा होता था, उस रीढ़ की हड्डी से लेकर के उनके पूरे जो वेस्ट का जो पार्ट है, उसे सशक्त कर, पकड़ कर, दबा कर उन्हें रखता, ताकि वह जब आक्रमण करे पूरी ताकत के साथ क्या कर पाए, युद्ध कर पाए। और जब परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें इस बेल्ट के बारे में बताता है, वो उसे किसी से जोड़ करके दिखाता है। किससे जोड़कर दिखाता है, ये बेल्ट केवल यूं ही बेल्ट नहीं है, ये किसका बेल्ट है, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का कमरबंद। तो मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को देखते हैं, हमें ये भी मालूम चलता है सत्य कौन है, सत्य कौन है बाइबल में, बताइए। आइए हम उस आयत को पढ़ लेते हैं, यूहन्ना की इंजिल उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत पढ़ने में सहायता करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि आप उसी 14 अध्याय यूहन्ना उसकी 7वीं आयत को पढ़े, 6वीं आयत को पढ़े, तो वहां पर लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं करेंगे, आप एक सैनिक बनकर युद्ध में नहीं उतर सकते। मैं बताना चाहूंगा, ये जो आत्मा के जो हम इन आर्मर्स को देखते हैं, इन हथियारों को देखते हैं, ये पूरे मनुष्य के उद्धार का एक पैकेज है।
कहना चाहिए अपने आप में एक विश्वासी के पहले दिन से लेकर के उसके युद्ध में उतर कर युद्ध को जीतने तक का जो जो चरण है उन सबको हम इसमें देखते हैं। तो पहली बात जब हम इस सत्य के कमरबंद को देखते हैं, यह दर्शाता है हमारे छुटकारे की ओर। किसकी ओर दर्शाता है? हमारे छुटकारे की ओर। द ट्रूथ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ सिग्निफाइज द डिलीवरेंस ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी के छुटकारे के, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में छुटकारे का एहसास नहीं करेंगे, और वो छुटकारा कौन है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह। हम युद्ध में नहीं उतर सकते। आज बहुत से विश्वासियों को आप देखेंगे मेरे प्रियो, उन्होंने हो सकता है कभी विश्वास किया हो, कभी यीशु का नाम लिया हो, कभी बपतिस्मा लिया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर क्या है? निवास नहीं करता। आप में चाहूंगा एक आयत को आप पढ़े इस बात की स्पष्टीकरण के लिए, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत। अब देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रेरित पौलुस ही हमें बताता है कि मसीह यीशु ना केवल सत्य है जो हमें आजाद करता है, लेकिन मसीह यीशु के साथ मैं क्रूस में चढ़ाया जाता हूं और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और ये जो सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह, उसे हम धारण कर लेते हैं, क्योंकि सैनिक बेल्ट को क्या करते थे? धारण करते थे, पहनते थे। तो पौलुस में हमसे क्या कहता है कि मसीह यीशु पर ना केवल विश्वास करें कि वो आपके उद्धार के लिए मरा गया है, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह को आप क्या कर ले? धारण कर ले। धारण करने का मतलब ये कि आप अपने अंदर जीवित नहीं है, आपके अंदर कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन है आपके अंदर? प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह जब आपके अंदर आता है, आपके अंदर निवास करता है, वो आपके लिए वो सुरक्षा बन जाता है जो एक सुरक्षा कमरबंद सैनिक के लिए लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण उसका एक शस्त्र जो उसे युद्ध में खड़े रहने के लिए, बड़े ऊर्जा के साथ आक्रमण करने के लिए, उसके जो आत्मा की तलवार है, हथियार, उसे वहां रखने के लिए सहायता करता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के हथियार के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही केवल हमारे जीवन में मसीह यीशु होना चाहिए, परंतु हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं है? सत्य का कमरबंद हमारे पास नहीं है। और उस सत्य कमरबंद को धारण करने के लिए हमें कुछ और नहीं परंतु अपने आप को मारकर किसे अपने अंदर धारण करना है? प्रभु यीशु मसीह को। आइए एक आयत में चाहूंगा आप और पढ़ दें, 2 तीमोथी की पत्री 2 अध्याय उसकी 3री और 4री आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। तो अब आप कैसे अपने अंदर यीशु को धारण करेंगे? प्रश्न ये उठता है। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को यह निर्देश देता है कि तुम अपने आप को संसार की बातों में ना फंसाओ। और आज बहुत से मसीहों को आप देखते हैं वो प्रभु की बातों को छोड़कर किसमें फंसे पड़े हैं? संसार की बातों में। और वही वो स्थान है जहां पर आप अपने सत्य के पैबंद को, कमरबंद को आप क्या कर दिए हैं? गंवा दिए हैं। बहुत बार जब संसार में रहने की वजह से मेरे प्रियो, ये संभव है हमारे लिए भी कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार की बातों में क्या करें? फंस जाए। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है? एक आत्मिक योद्धा के समान क्या करो? अपने आप को संसार की बातों में फंसने से रोक करके रखो, और तभी आप प्रभु यीशु मसीह क्या कर पाएंगे? अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। आप देखिए आजकल दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, उनके पास सारे अच्छी नौकरी, पैसा, धन, दौलत सब है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या है? प्रभु के लिए समय। आदमी जितना ज्यादा धनी होता जाता है, जितना ज्यादा आधुनिक होता जाता है, उतना ज्यादा उसके हाथ से क्या चलता है? समय। और समय एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप मसीह यीशु को अपने जीवन में क्या दे सकते हैं? प्राथमिकता, और वो आपके अंदर निवास कर सकता है। और यदि वो हमारे अंदर में नहीं है, हम आत्मा के सबसे मुख्य शस्त्र जो कमर का पैबंद है सत्य का, वो हमारे पास नहीं है। और यदि वो नहीं है, हम युद्ध के मैदान में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है। अब देखिए इसराइलियों के जीवन में सबसे पहला काम परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें बंधवाई से छुड़ाया। जब तक हम बंधवाई से नहीं छुड़ेंगे, हम युद्ध करना तो छोड़, सैनिक के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। युद्ध करना तो छोड़, शैतान के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम शैतान के भागीदारी ही रहेंगे, उसके पक्ष में हम रहेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा के द्वारा, जो उसका अगुआ था,
अपने लोगों क्या किया, बंधवाई से छुड़ाया। और उसी प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया भेजा, जो कौन है, सत्य है, जिसने हमें क्या किया, शैतान के चंगुल से छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद हमें छोड़ नहीं दिया, परंतु हमारे अंदर निवास किया। और मसीह का हमारे अंदर निवास करने का मतलब क्या है, तिमोथी 2:26 जो हमने पढ़ा, संसार के बातों में ना फंसना। और जब संसार से हम अपने आप को अलग रख सकते हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करता है। आइए हम आगे बढ़कर अब दूसरे हम बात करने चाहूंगा उसके, आप 14 अध्याय को फिर से एक बार पढ़ दें। उसके बाद दूसरा आप हथियार देखते हैं जो शस्त्र आत्मा का है, एक जो हमने देखा सत्य का कमरबंद, जो किस बात को दर्शाता है, हमारे छुटकारे को, किसको दर्शाता है, हमारे छुटकारे को, किसके द्वारा, सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात हम देखते हैं ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का झीलम। अब ये जो झीलम की यदि आप बात करें, जो धार्मिकता की है, ये मुख्यतः सीने के इस हिस्से में पहना जाता था, और जो हमारे शरीर के आंतरिक मुख्य अंगों की रक्षा के लिए होता था, जैसे दिल, गुर्दा, फेफड़े, और जो मुख्य हैं, जब भाला या फिर तीर के द्वारा आक्रमण किया जाए, तो ये जो झीलम होता था, एक सैनिक, एक योद्धा के सबसे मुख्य अंगों को, द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अ सोल्जर, उसे प्रोटेक्ट करता था, उसे बचाता था। तो यहां पर उस झीलम की तुलना किससे की गई है, बताइए, धार्मिकता के साथ। आप देख सकते हैं कि हमने पहले देखा कि जो आत्मा का, जो कहना चाहिए, जो कमरबंद है, उसकी तुलना किससे की गई थी, सत्य के साथ। लेकिन यहां पर वो जो झीलम की तुलना किससे की गई है, धार्मिकता के साथ। और जब आप धार्मिकता के बारे में देखते, मेरे प्रियो, धार्मिकता का मतलब क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन बहुत बार हमने प्रचारों में सुना है, व्हाट इज राइटियसनेस, राइट बिफोर गॉड, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। परमेश्वर के सामने क्या होना, सही साबित किया जाना, या प्रमाणित किया जाना, या घोषित किया जाना। और इस धार्मिकता के क्या है, दो पहलू हैं। पहला पहलू, जब प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान में मारा गया, आपके पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आप पर डाल दी गई। रोमियो की पत्री 4, 5, 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर इस धार्मिकता के बारे में लिखा गया है कि द राइटियसनेस ऑफ क्राइस्ट वॉज इंप्यूटेड ऑन अस एंड आवर सिन वॉज इंप्यूटेड ऑन जीसस क्राइस्ट। तो जिस घड़ी आप इस बात को देखते हैं कि हम आरा जो पाप है, हमारा जो गुनाह है, वो किस पर लादा गया, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता किस पर डाली गई, हम पर। तो जिसके द्वारा हम क्या बन जाते हैं, धार्मिक। और धार्मिक होने के बाद ही हमें क्या मिलता है, सौभाग्य परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का। आपको मालूम होगा पुराने नियम में आप देख सकते हैं इस बात को, जब परमेश्वर ने इसराइलियों को बंधवाई में से छुड़ाया, उसके बाद ही उन्हें आराधना का सौभाग्य दिया। दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप गॉड बिफोर दे वर डिलीवर्ड। बिफोर यू कम टू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू वर्शिप हिम, आपका छुटकारा बहुत जरूरी है। पहले छुड़ाए और फिर आराधना का सौभाग्य उन्हें दिया गया। तो जब हम इस धार्मिकता के बारे में समझते थे, धार्मिकता का झीलम क्या है, हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम पर डाली गई है, और उस धार्मिकता के द्वारा हमें सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। और दूसरा पहलू धार्मिकता का यह है कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को क्या बनाकर रखते हैं, धर्मी बनाकर रखते हैं। हो सकता है ये बात आपको थोड़ी अटपटी जान पड़े, क्योंकि जो हम अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते, लेकिन कर्मों के द्वारा हम अपने आप को क्या रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं। मैं चाहूंगा एक आयत आप पढ़ ले इसके लिए, भजन उसका 24:3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है इस बात को समझने के लिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हम धर्मी बन गए। लेकिन आपके कर्म कितने महत्वपूर्ण है अपने धार्मिकता को बनाकर रखने के लिए, भजनकार हमें बता रहा है। पढ़िए, देखिए, हम यहोवा के भवन में क्यों जाते हैं, पर्वत पर क्यों जाते हैं, उसकी आराधना के लिए, है ना। लेकिन उसके भवन में कौन जा सकता है, पढ़िए, कौन चढ़ सकता है, कौन खड़ा हो सकता है, वही पढ़िए आगे उसका, जिसके कार्य निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को बैठ बाधा
जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। तो ये सारी बातें क्या है मेरे प्रियो, ये सारी वो बातें हैं जो हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी धार्मिकता जो मसीह यीशु ने दी है उसे हम मेंटेन करके रखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, बना करके रखते हैं। आप यदि यशया को पढ़े वहां पर लिखा है कि तुम्हें धार्मिकता का जो वस्त्र दिया गया है उसे कलंकित ना करो। धार्मिकता का वस्त्र जो मसीह यीशु की कुर्बानी के द्वारा हमें दिया गया है उसे हमें कलंकित होने से क्या करना है, बचाना है। और वो कैसे हो सकता है, जब हम अपने आप को अशुद्धता के बातों से दूर रखेंगे। सो दूसरी बात जब हम देखते हैं, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस गिव्स अस प्रिविलेज टू वर्शिप, जो धार्मिकता की झीलम है हमें क्या देता है, आराधना करने का सौभाग्य। द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस गिव्स अस प्रिविलेज टू वर्शिप गॉड एंड गेट एक्सेस इन हिज प्रेजेंस। आप उसकी हुजूरी में प्रवेश नहीं कर सकते तब तक जब तक आपके हाथ क्या हो, निष्कलंक ना हो। बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और मेरे किए हुए पाप और जो पाप कर रहा हूं वो भी क्या हो गए, क्षमा हो गए। तो पाप क्या करते रहो, करते रहो। यू नो नाउडेज द ग्रेस प्रीचर्स, अनुग्रह के प्रचारक आपने सुना है, टेलीविजन में सुबह 8 बजे से चालू हो जाते हैं वो सारे प्रचारक। और केरल में आप जाएंगे तो वहां तो एक कम्युनिटी भी फॉर्म कर दिया है, द कम्युनिटी ऑफ ग्रेस प्रीचर्स, दे हैव फेसबुक पेज ऑल्सो। उन लोग क्या करते पता आपको, पाप नर्क दंड के बारे में प्रचार नहीं करते, वो बोलते पाप कर रहे हो करते रहो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बहुत पॉपुलर है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फॉलोअर्स, हजारों हजारों लोग उनके चर्च में भागे चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धार्मिकता आपको अपने कर्मों से मिली है, लेकिन जो धार्मिकता मसीह से आपको मिली है उसे संतुलित करने के लिए आपके कार्य महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी आराधना करने के लिए आपके हाथ क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। आप पढ़िए, ना ही केवल आराधना, बट द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस गिव्स अस प्रिविलेज टू वर्शिप एंड प्रे इन हिज प्रेजेंस। पढ़िए एक आयत, भजन 118 उसकी 20वीं आयत, भजन 118 उसकी 20वीं आयत। यहोवा का द्वार यही है या इससे कौन प्रवेश करने पाएंगे, अधर्मी नहीं करेंगे, कौन प्रवेश करेगा, धर्मी ही प्रवेश करेगा। तो अगर हम धर्मी नहीं है हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धर्मी होने का मतलब, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके हाथ निष्कलंक, आपका दिल निर्दोष और आपका जीवन पवित्र हो। भजनकार 37 में इस बात को कहता है, यदि मेरे दिल में पाप होता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इफ देर वॉज इनइक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड वुड नॉट एंसर मी। उसका मतलब क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट। याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तुम्हारे दिल में दोष है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुम्हें नहीं मिलता। मतलब इसका क्या है कि परमेश्वर की धार्मिकता मसीह की धार्मिकता है, उसने हमें धार्मिक घोषित कर दिया है, बट इट हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी और हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस धार्मिकता के वस्त्र को निष्कलंक बनाकर रखें, उसे दाग धब्बे और पाप और दूषित होने से हम उसे क्या करें, बचा करके रखें। वो हमारा कर्तव्य है। सो हमने देखा पहली बात कि जो बेल्ट ऑफ ट्रूथ है दैट गिव्स अस प्रिविलेज ऑफ डिलीवरेंस। फिर दूसरी बात हमने देखी, जो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है दैट गिव्स अस प्रिविलेज टू वर्शिप एंड प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए हम तीसरी बात को देखें, मुझे समय बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है, शायद हो सकता है पूरे 6 के 6 आत्मा के शस्त्र को हम देख ना पाए, लेकिन जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। उसकी आगे की आयत को पढ़े सिस्टर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, नहीं उसके पहले, या धार्मिकता जीवन पहनकर, आगे पढ़े, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है कि हम जब उद्धार पा लिए, हमने छुटकारा पा लिया, हम परमेश्वर की हुजूरी में जाकर उसकी आराधना कर लिए, प्रार्थना कर लिए, अब तीसरा जो चरण आता है वो क्या है बताएं, सुसमाचार सुनाने का। हम में से बहुत से लोग एक सेल्फ सेटिस्फाइड जीवन जीते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आत्मसंतोष का जीवन। मैंने उद्धार पा लिया, संडे आराधना मैं जाता हूं,
मेरे परिवार में प्रार्थना होती है, हम एक गॉडली लिविंग जी रहे हैं, हमारा जीवन यहां शुरू होके यहां पे खत्म। लेकिन एक योद्धा, हर एक विश्वासी, ये नहीं बोल रहा केवल परमेश्वर का दास का ही ये जिम्मेदारी है कि जाकर वचन सुनाए, लेकिन हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चेले बनाओ। और ये चेले क्या बनाए? और चेले बनाए। जिंदगी में भले एक ही चेले बनाओ लेकिन चेले बनाओ, जिंदगी में भले एक ही चेले बनाओ लेकिन क्या करो? चेले बनाओ। 28वें अध्याय मत्ती सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर पूरे जगत के लोगों को बपतिस्मा दो, प्रचार करो, जो भी करो, उन्हें क्या बनना सिखाओ? चेला। और ताकि वो जाकर और चेले बनाए। तो हर एक विश्वासी, भले आप जो भी कार्य व्यवसाय धंधा क्यों ना करते हो, और इंक्लूडिंग ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या पहन लें। और यदि आप सैनिकों के जूतों को देखेंगे तो ये जूते बहुत ही विशेष तौर पर बनाए जाते थे। इन जूतों के नीचे में स्पाइक्स होता था। आज जो फुटबॉल वगैरह देखते होंगे, आपने देखा होगा, ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन है जो फुटबॉल सॉकर खेलने वाले, उनके जूते जो होते हैं उनके नीचे क्या होते हैं? नोकीली, एक कील नुमा आकृति बनी होती है जो उन्हें जमीन पर क्या करने के लिए? ग्रिप पकड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार के ही जूते कौन पहना करते थे? जो रोमी सैनिक है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इन हिस्ट्री अमंग ऑल द आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, ये जो रोमन आर्मी है इसे किलिंग मशीन्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मारने वाली मशीनें। इतना ज्यादा आक्रामक इनका रूप, इनका कार्य और इनका पहरावा था। तो ये जो जूते, जब इसके बारे में हम देखते मेरे प्रियो, ये हमें इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारा खुद का जीवन जो आत्मसंतोष का है, हम उससे बाहर निकल करके क्या समझें? दूसरों तक पहुंचने का, जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं। और अगेन इट हैज टू फोल्ड। यदि आपके पास इतना समय नहीं कि आप बाहर निकलकर दूसरों को वचन सुनाए, यू जस्ट स्ट्रेंथन द हैंड्स हु आर डूइंग द गॉस्पल वर्क। कई बार ऐसा होता है, हमारी जिंदगी इतनी व्यस्ततम हो जाती है कि हम कई बार अपने पैरों के द्वारा क्या नहीं कर सकते, जाकर किसी को वचन नहीं सुना सकते। तो पर भी अपने कार्यस्थल में, हम जहां पर व्यवसाय करते हैं, हमको ऐसा मौका होना चाहिए कि हम जाकर उन्हें वचन बताएं। अ नंबर ऑफ पीपल वी नो दैट अपने जहां कार्यस्थल है वहीं पर वो क्या करते हैं? वचन सुनाते हैं। लेकिन यदि इतना समय भी आपके पास नहीं है, आप उन हाथों को सशक्त करें जो जाकर दूसरों को वचन सुनाते हैं। This is how we enhance the work of the gospelization. और वही परमेश्वर वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो, कि हम इससे पहले कि अपने आप में, हमने क्या देखा? पहली बात, क्या हुए? हम स्वतंत्र हुए। किसके द्वारा? बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य के कमरबंद के द्वारा हम क्या हुए? आजाद हुए। और आजादी के बाद हम क्या देखते हैं? धार्मिकता के झीलम के द्वारा हम आराधना और प्रार्थना का सौभाग्य हमें दिया गया। अब जब हम छुटकारा पा लिए, आराधना प्रार्थना का सौभाग्य हमें मिल गया, उसके बाद हम क्या देखते हैं? जाकर दूसरों को वचन बताना है। आइए हम आगे बढ़कर चौथे आत्मा के उस हथियार को हम देखेंगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टो। और यह बहुत जरूरी है। क्या है अगला हथियार, चौथा हथियार कौन सा है बताइए? हाँ, उद्धार का टोप। जब मैंने इनसे पूछा आत्मा के हथियार के बारे में बताओ, तो इन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया, क्या लिया पता है? उद्धार का टोप। क्यों पता है क्यों इन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि इन्होंने सोचा, सर से लेकर पैर तक शुरू करता हूं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? टोपी आती है। तो हो सकता है कि टोप पहला हथियार होगा। टोप पहला हथियार नहीं है, टोप उसके बाद आता है। अब थोड़ा कल्पना करते हैं कि हाँ व्हाटएवर। चौथा नंबर क्या है परमेश्वर के वचन में? हाँ, विश्वास की ढाल। अब जब विश्वास की ढाल के बारे में आप देखते हैं मेरे प्रियो, ये किस बात को की ओर हमें इंगित करता है? ढाल किस चीज के लिए दिया होता है बताइए? आपने देखा होगा, इसकी भी तस्वीर मैं लेकर के आया हूं, चिंता मत करिए, क्योंकि आजकल के ढाल जो हम फिल्मों में देखते हैं और जो टीवी में देखते हैं वो बहुत अलग होते हैं, लेकिन जो ढाल वो इस्तेमाल करते थे वो बहुत ही अलग है। हिंदी फिल्मों की ढाल आपको याद आएगी अगर मैं ढाल के बारे में बोलूं, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो ढाल वो इस्तेमाल करते थे, दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट देन द शील्ड वी सी टूडे। ये वो ढाल थे। ये ढाल कम से कम 5 फीट का होता था,
अगर सोल्जर 6 फीट का, मतलब अधिकतर तो 5, 5.5, 6 फीट के होते हैं, वो सर से लेकर पैर तक उन्हें क्या कर देता था, ढक देता था। और इस फोटो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो छावनी डाल करके ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवर करके दुश्मनों के आने वाली तीर, बम और जो भी चीज वो फेंक रहे हैं, भाले, उससे अपने आप ही क्या कर सके, सुरक्षा दे सके। तो मैं प्रियो, सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि हथियार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। एक रक्षात्मक होता है और एक आक्रमण के लिए होता है। तो ये जो हम देखते हैं, ये अपनी रक्षा के लिए दिया गया एक क्या है, शस्त्र है। लेकिन इस शस्त्र को किससे जोड़ा गया है, उद्धार से। किससे जोड़ा गया, आप देखिए बताइए, फिर से पढ़िए उस आयत में चाहूंगा सिस्टर, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है जी, पढ़िए। सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, मतलब वो जो ढाल, जो सुरक्षा है, आपको किससे मिलेगी, हाँ, किससे मिलेगी आपको बताइए, किससे सुरक्षा मिलेगी आपको। एक शारीरिक सैनिक के लिए जो भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा है, वो जब युद्ध में उतरेगा तो उसकी सुरक्षा क्या करेगी, ढाल करेगी। लेकिन एक आत्मिक युद्ध लड़ने वाले विश्वासी की सुरक्षा क्या करेगी, नहीं, विश्वास वहां दिया है। विश्वास एक विश्वासी के लिए ढाल है, एक ढाल, ढाल एक सैनिक के लिए है, लेकिन एक विश्वासी के लिए ढाल क्या है, विश्वास है। अब ये विश्वास कैसे ढाल हो सकता है, प्रश्न ये उठता है, विश्वास कैसे ढाल बन सकता है, उसे तो आप देख भी नहीं सकते, उसे आप एहसास कर सकते हैं लेकिन आप उसे क्या करते हैं, छू नहीं सकते, तो ये आपकी सुरक्षा कैसे करेगा। आपको मालूम होना चाहिए हमारा बैरी कौन है, हमारा शत्रु कौन है, अदृश्य है, अदृश्य है। उसके आक्रमण भी क्या है, अदृश्य है। आप अय्यूब के बारे में तुलना कर सकते हैं कि परमेश्वर की कैसे शैतान ने उसको शारीरिक दुख दिया, लेकिन अधिकतर समय शैतान हमें क्या कहता है, अदृश्य रूप से हम पर क्या करता है, आक्रमण करता है। वो क्या करता है, हमारे अंदर निराशा, हताशा, अविश्वास, दुख और कहना चाहिए एक प्रकार का हतोत्साहना हमारे अंदर क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा हम क्या हो जाए, हम क्या हो जाए, अपने विश्वास को खो दे। इस दुनिया में आपको मसीह के पास पैसा लेकर नहीं आ सकता, इस दुनिया में आपको मसीह के पास कोई इंसान लेकर नहीं आ सकता, इस दुनिया में आपको प्रभु यीशु मसीह के पास कोई ताकत नहीं ला सकती, लेकिन क्या लेकर आ सकती है, मसीह यीशु के पास, आपका विश्वास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम क्या कर सकते हो, इस पहाड़ को कहे कि यहां से उखड़ कर कहीं और लग जा और ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाँ, एक स्त्री जो सीरोफ्यूनिशियन लेडी, व्हेन शी कम्स टू जीसस विद अ रिक्वेस्ट ऑफ हर डॉटर हु बीन पोसेस्ड बाय डीमन टू गेट हील्ड, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इस स्त्री का विश्वास पूरे इज़राइल में पाए जाने वाले जो यहूदी हैं और जो भी अन्य जाति जो हाल में विश्वास में आए हैं उनसे क्या है, ज्यादा है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने उस स्त्री को विजय दिया, उसे शैतान की उस दुष्टात्मा के प्रभाव से सुरक्षा दिया और उसके लिए क्या एक रक्षा का कारण बना, आत्मरक्षा बना, क्या है वो, विश्वास। इसलिए मेरे प्रियो, जो ढाल का तुलना विश्वास के साथ किया गया है, आज आपके और मेरे जीवन में कुछ और हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। आप अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, आखिर क्या जरूरत थी परमेश्वर को कि उसे 95 और 100 वर्ष की उम्र में चुनने का और एक बेटा देने की वादा करने का, बताइए मुझे, क्या परमेश्वर अपनी योजना के निमित्त 30-40 साल में उसे नहीं चुन लेता। लेकिन परमेश्वर उसके अंदर क्या उत्पन्न करना चाहता था, क्योंकि 95 या 100 की उम्र में बच्चा पैदा करना आसान नहीं या मिलना आसान नहीं है, इट इज मेडिकली डिफिकल्ट। परमेश्वर को यह बात मालूम था, तो परमेश्वर ने उसे क्यों चुना और उसे आशा क्यों दी, मैं तुझे बेटा दूंगा, ताकि इस बात को जान ले कि इसके अंदर मेरे वचन के प्रति कितना विश्वास है। और देखते कुछ हद तक उसकी पत्नी की वजह से वो क्या हुआ, असफल हो गया। आपके जीवन में कई ऐसे वायदे परमेश्वर ने दिए मेरे प्रियो, लेकिन शैतान क्या करता है, आपके उस विश्वास को आपसे चुरा लेता है। और जब वो आपके विश्वास से आपको चुरा लेता है, उसका आक्रमण जब ढाल नीचे गिर जाएगा तब क्या होगा, उसकी तीरें आपको घायल कर देगी। जब जब आप इस बात को सोचते हैं कि आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहे, तब तब शैतान आपके जीवन में विजयी होता है। बिकॉज इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ बैटल दैट वी फाइट एवरी डे। एक युद्ध नहीं है जो एक बार हुआ खत्म, लेकिन ये एक ऐसा झगड़ा है जो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, शैतान के साथ करते हैं।
एंड एवरी डे इफ यू लूज योर फेथ ऑन एनी ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड, हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, हो सकता है आपकी शिक्षा के लिए, हो सकता है आपके परिवार के लिए हो, या हो सकता है आपके भविष्य के लिए हो. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू लूजिंग योर फेथ, द सैटन इज फाइंडिंग विक्ट्री ऑन दो पर्टिकुलर प्रेयर्स और प्रार्थना विनतियां जो आपके अंदर है. तो आज की शाम में मेरे प्रियो, समय समाप्त हुआ, मेरी घड़ी में 8 बजे, उसमें आगे हो गया समय, उसे ना देखें मैं तो आप मुझे गलत समझेंगे. अंतिम बात, और समय समाप्त हुआ, क्या क्या बात आज हमने सीखी, लेट्स रिकॉल वंस, बिकॉज यू नो इट्स अ स्टडी टाइम. आपको मालूम होना चाहिए शाम की जो सभाएं होती है ये अध्ययन बोलते हैं हम इसको. पहली बात हमने क्या सीखी आज की शाम में, हाँ, सत्य का कमरबंद, और वो किस बात की ओर इंगित करता है बताइए, हमारा छुटकारा, डिलीवरेंस. दूसरी बात हमने क्या सीखी, धार्मिकता का झील, वो हमें क्या किस बात की ओर इंगित करता है, प्रिविलेज ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर, प्रार्थना और आराधना का सौभाग्य, बिकॉज अनलेस यू आर राइटियस यू कैनॉट हैव एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड दिस राइटियस बीन गिवन बाय जीसस एंड प्रोटेक्टेड बाय आवर ऑन हैंड्स. तीसरी बात हमने क्या देखी, जूते, ये किस बात की ओर इंगित करते हैं, जो हमने उद्धार पाया अब वो उद्धार दूसरे, द वर्क ऑफ गॉस्पलाइजेशन. चौथी और अंतिम बात क्या हमने देखा, विश्वास की ढाल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है आज की शाम में. यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी प्रार्थना विनती है जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास करें परमेश्वर उसे सुनेगा, आपको उत्तर देगा. इफ यू आर लूजिंग फेथ इन दैट एरिया, सैटन इज फाइंडिंग विक्ट्री इन योर लाइफ. And that's how you see. मैंने बोला युद्ध किसके बीच में, हमारे शैतान के बीच में नहीं है भैया, युद्ध किसके बीच में, परमेश्वर शैतान के बीच में. किसके लिए युद्ध है, आपके और मेरे लिए. और यदि in my mind if Satan is able to disappoint me, discourage me, he is finding victory in my life. आइए अपनी आंखों को बंद करें. आज की शाम में जब परमेश्वर के वचन को हमने सुना, एक अंतिम उदाहरण देना चाहूंगा. आप इसराइल के बारे में जानते हैं, आखिर परमेश्वर ने उन्हें बलवाई के देश से निकालकर मरुभूमि में क्यों लेकर गया बताइए, बलवाई के देश से निकालकर मरुभूमि में क्यों लेकर गया. यदि आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के, वहां पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे मनों को मैं, दूसरी बात है, पहली बात क्या है, जांच सकू, पहली बात क्या है, जांच सकू और तुम्हें नम्र बना, और जो नम्र नहीं बने और जो जांच में फेल हो गए वो क्या हुए, मरुभूमि में मर गए. आज की शाम में यदि परमेश्वर आपके जीवन में सताव या परेशानी और तकलीफें और कंगाली और बीमारी यदि भेज रहा है, वो आपके विश्वास को जांच रहा है. क्या आपका विश्वास का ढाल आप ऊपर टांग कर रखे या जमीन पर फेंक दिए. अपनी आंखों को बंद कर दिए. आइए हम थोड़ा विचार करें कि हमारे जीवन में जबकि परमेश्वर ने हमसे बातें की, हमें बताया किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आत्मा के शस्त्रों को बांध कर रखना है. आइए प्रार्थना करें. आई वुड रिक्वेस्ट रेवरेंड नाथ टू प्लीज मेक अ फाइनल प्रेयर एंड एंड दिस सर्विस विद द वर्ड ऑफ बेनेडिक्शन. आइए उनके साथ हम प्रार्थना में जाएं. Lord the Father, we pray that the word that has come to us has been granted our faith, O God. Amen. We are blessed by the divine word, O God. Lord the Father, you help us to keep this word in our life, to expect in our life so that we can be strong, more strong for your ministry, O God. Yes, O Jesus. Lord the Father, your servant has beautifully exposed and explained the word, O God. We pray that you bless him abundantly and use him as a channel of blessing for many people in this way, O God. We also thank you for this fellowship. So we have you, but the Lord that you have is given here. Yes, O Lord. Lord, in the world, where 2 or 3 are gathered in your name, and you are the Lord, O God. As this house is open in this evening for your fellowship, O God, we pray that you bless each one of this, the family members of this house, O God. Let your servant be blessed marvelously, O God, as you have given him the great responsibility in the college. You bless him and use him in a mighty way so that the blessings through his life can flow to the students and to the mission, O God. I also pray for the community, those who are here. Amen, O Lord. God the Father, as we have heard your message, we pray.
prayers to Hanabulan. He will empower us, protect this message with us to live from now on, Lord, so Lord, so that our life will be different because of this word, Lord. But the Father, we also thank you for your presence in our midst, O God. We also commit your servant in thy feet, O God. You bless him abundantly. Use him as a channel of blessings in this way, so that many people will be blessed by his ministry as you have given him, O God. Thank you for your presence, power, and thank you for your grace, love, and mercy for us that we could experience this evening, O God. We thank you for everything, for we ask this prayer in Jesus' name. Amen. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us until Jesus comes. Amen. May God bless you all. जो यहाँ पर आए परमेश्वर के वचन सहभागी हुए, परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। Once again, thank you very much, Nikhil, for bringing it to us. It was amazing. We had the privilege to see all the ancient instruments that were used. It was good. It's a lesson for us. And he spoke very, very well for us. As a result of that, we were all blessed. So once again, thank you very much for bringing the word to us. Of course, I was so pleased with Reverend Nag, the flute. I was trying to take pictures by the time he stood up. So I couldn't. But thank you, sir, for your instrument. You add up something extra. So it was a really, really interesting for us to enjoy the presence of God. And also, thank you very much for the prayer. Of course, the boys, thank you for leading us into worship. And not the last either, but the audience. Although we are few, but we are very, very thankful to you for being available to us, coming to our house for the first time and blessing us. Because I believe the step of the righteous man getting to the house of anybody shall be blessed. Amen. So we are believing tonight, yes, that we all are blessed, and particularly our family, we are very much blessed. So keep coming, keep blessing us. Before you leave this house, we have very little small thing for you to, munch or whatever you feel like. You know, not even munch. Whatever. So, little more munch. He said, munch. Hey. That's awesome. Is that right? Yes, sir. So I was thinking that it gives a... कहाँ रहते हो? पूछा जाते हैं, मैं सिस्टर से पूछा, सत्या सर कहाँ है? सिस्टर बोलती इटारसी से बाहर तो नहीं गए, लेकिन घर से जरूर बाहर गए. ऐसे ही बोला ना उन्होंने. मैं इंतजार कर रहा था कहाँ है सत्य सर. अरे एक्चुअली क्या है, मुझे एटीएम कार्ड लेना है, मम्मी बुलाना है, एसबीआई का. अच्छा, ले लिया. पुराना वाला बंद, चेक तो नहीं, चेक नहीं वाला बंद हो गया, बंद हो गया, ब्लॉक का हो गया. अच्छा, ब्लॉक मतलब घूम गया था क्या? नहीं नहीं, उसको वो क्या है ना, रूपा था ना वो. हाँ वो सर, now we have different cards, Rupa, Delhi, Master, Visa, Credit. So Rupa card will not work for online transaction. It will only work in India. But if we got the latest one, which is Visa or Master, that's the reason sending is not possible. Not possible. Not possible. It's not possible. It's not possible. You cannot use for online transaction. Nothing. This college has given us a debit card. This Rupa, this DCB, that is good for nothing, for online transaction. You can only use an ATM. Transfer is not? Sir. No, means sir. You didn't understand. Sir. Satya sir, thoda prayer. Satya sir, prayer. Prabhu ji, hum dhanyavaad karte hain sir. Ahar ke liye shukri aashish chahte hain. Tere daas pe aashish de, inki bhandar mein tere aashish de. Kaakar tere mein yeesh ke naam se prarthna. Ab ek len sir. Thank you. मैं सोचा कि बंद कर दिया था, मैंने ट्रांसफर कर दिया. नहीं नहीं नहीं, रूपा इज ओनली फॉर एटीएम मैसेजेस, नथिंग एल्स.
अपना बस आप बाहर कर सकते हो. हाँ, that's what I believe. But by sitting here with your card and my card, I cannot make online transaction. Like with आजकल online अपन खरीदते चीजों को ना पेटीएम में यूज करते हैं, वो सब यूज नहीं, थैंक यू, वो सब यूज नहीं कर सकते. तो सर अभी एक बात मैं पूछ रहा हूँ, सर जिस भी जो कार्ड लिया है जी, जी जिस भी कार्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं बाहर करने के लिए, बस आइसक्रीम दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है, मैं बोल रहा था मत दो, लेकिन व्हेन आई टच्ड इट माय सेंसरी मोटर टोल्ड मी इट्स समथिंग हॉट. कोल्ड सीजन में कोल्ड लेना तो मुश्किल हो जाएगा. सर वो सबसे सस्ता सबसे लास्ट कैटेगरी का कार्ड दिए, उससे बेकार कार्ड नहीं है. हम लोग गलती करते हैं, व्हाट टू डू, वहाँ जो पैसा है सो अब एटीएम से निकालो, दैट व्हाट यू कैन डू, अब एटीएम से निकालो. और देयर इज अ ऐप दिस ऐप. With this app, you can transfer. But this is a company app. This is not the app or any common. I had that app, DCB. Yeah, I also. DCB Bank. ये app के through आप पैसा transfer कर सकते हो बस. अब वो भी दूसरे account में. But that ATM is good for nothing. ये देखो, इसमें user ID और MPIN होगा. So I can transfer anywhere. But this app is needed ना. हर कोई थोड़ी नहीं जानता app use करना. हर किसी पर थोड़ी ना. अरे वो गाना शुरू कर दिया प्रचार के टाइम वो शुरू किया कि जीनियस किया, नहीं जीनियस तो शांत बैठा था, उसने शुरू किया जेरेमी ने. जेरेमी ने गाना खत्म होने के बाद भी गाना गा रहा था. आपको चाहिए We expect 40. So it, still it's there. Otherwise, how much? So you can have one more line. सुन लिया आप सबने? अनुवाद तो नहीं लगेगा ना? Listen. फटाफट खत्म करो. जल्दी 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 start. Yes. Anjula. Sir, बोल दे. Supriya. जल्दी start. सर ये सुप्रियन है सर, सुप्रिया बोलेंगे ना. सुप्रियन हाँ ना, जरूरी है सर, नहीं तो फिर मैं लूँगा. हाँ बिल्कुल सुप्रिया, मैं एकदम डर गया. नहीं क्या मैं बोला मैडम को प्यार से सुप्रिया बोलते हैं घर में, ऐसा लगा मेरे को. नहीं सच में सुप्रियन जो है ना, मैं सुप्रिया कोई भी नहीं है यहाँ पे, और मेरे को लगा कि आपका नाम भी नहीं, आपका नाम भी नहीं, मेरे को लगा सुप्रिया सुप्रिया. हाँ नाग सर जो नाम जब भी लेते हैं ना, It has a separate name, kind of name. And also has a multiple names. Yes! That's what I wanted to say. He knows how to call. He has those names. Yeah, Nobody yeah. will have his name. And hope so far nobody has misunderstood. विल्सन सर का घर में कोई नहीं है क्या? विल्सन सर का सीआईडी में पूछा है. ओह वहाँ चले गए शायद. मैं जब आया ना वो भोपाल से आकर के निकल रहे थे. सर भोपाल गए थे या बोल रहे मैम. आई वांट यू टू सी अ मेल. या मैं तो दोबारा जरूर खाऊंगा. Not meal, meal.